especially the singers. So will you restrict yourself to fiction, or we will be seeing non-fiction shows as well? No, we will. But the thing is that, you know, it's just the start of a channel, and like Bharat said earlier, that we will see what the audiences are liking, what they're not. अभी तो हमारे जो top 4 shows हैं reality shows, वो चारों आप लोगों की shows हैं जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जिनकी rating जा रही है. Dance India Dance है, Nach Baliye है, झलक है और एक और. सारे गमा. ये सारे चार शोज आप लोगों के ही हैं, तो अभी हम रियलिटी शोज में थोड़ा सा पीछे रहे जी. इमरान, सिंस यू आर हियर, आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग. इंडियन टेलीविजन आर डोमिनेटेड बाय द सास बहु जॉनर, सो व्हाट काइंड ऑफ शोज व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, कुड यू टेल अस द वुमेन्स रोल यू नो ऑन देयर शोज? हाँ, ये बहुत अच्छी आपने बात की. हमारे यहाँ थोड़ा सा कंटेंट वाइज चीजें थोड़ी सी फर्क है, इसलिए कि हमारे यहाँ जो फॉर्मेट ऑफ ड्रामा मेकिंग है दैट इज डिफरेंट. हम लोग 22 से 24 एपिसोड्स का नॉर्मली हमारा सीरियल होता है, जिसके अंदर राइटर को बहुत पहले से आइडिया होता है कि उसने कहानी को किस तरह लेके जाना है और कहाँ ख़त्म करना है. तो बहुत फोकस्ड स्टोरी लाइन होती है, और इसीलिए वो चीज़ें ब्रश होती रहती हैं प्रोडक्शन हाउस में, डायरेक्टर के पास, राइटर के पास, एक्टर्स के पास. तो कहानियों की डाइवर्सिटी आपको बहुत मिल जाती है, इसलिए कि छोटी एक फोकस्ड स्टोरी लाइन होती है. तो सास बहू तो हर जगह ही हैं, और उनका जो सोसाइटी में वो है वो तो हर जगह ही है, लेकिन अच्छी सासें भी होती हैं, बुरी सासें भी होती हैं. तो इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, और मेरा ख्याल है कि आप लोगों के भी इतने ही हैं, हमारे भी इतने ही हैं, क्योंकि हम उससे डिफर नहीं करते ज़्यादा, कि उनको अब छूना चाहिए. और आपको देखेंगे आप लोग, आपको अंदाजा होगा कि कहानियों के मामले में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है स्टोरीज में. इवन जितने भी शोज़ मैंने अभी यहाँ देखे, जिसके आप लोगों का प्रोमोज मैंने देखे, हर कहानी बिल्कुल अलग है, टोटली डिफरेंट है. और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपको बेली कोई सास और बहू का वो वाला एलिमेंट मिलेगा. एंड आपने मेकअप भी देख लिया, आपने प्रेजेंटेशंस भी देख ली, वेरी रिलेटेबल, वेरी बिलीवेबल, एंड कोई ओवर द टॉप नहीं. कुछ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये लड़कियाँ एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जब सो के उठती हैं तो उनके बैक कॉम्बिंग और बालों की आई लैशेज भी वहीं की वहीं लगी होती हैं. शैलेजा, अलॉन्ग विद द प्रोमोस वी आल्सो हैड द हिट एंड अपलोडेड सीरियल्स. हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू यू नो एक्चुअली गेट देम द राइट्स टू एयर देम इन इंडिया? नहीं, बिल्कुल नहीं. एक प्रोसेस है उनका, एक लीगल प्रोसीजर है, और हमारे कंटेंट वो खरीदते भी हैं. तो इनफैक्ट जिनसे हमें खरीदना था वो हमारे बायर्स रहे हैं, हमारे शोज वो खरीदते हैं, तो एक ऑलरेडी रिलेशनशिप उनके साथ एग्जिस्ट करती है. और हम ये चाहते थे कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही था कि शोज लेने कौन से हैं, क्योंकि हमारे साथ तो उनके रिलेशनशिप ऑलरेडी पिछले 5-10 सालों से है ही ऑलरेडी. तो वो काम शैलजा जी ने कर दिया कि वो उन्होंने चुन लिए क्या उनको चुनना है, और बाकी जो सारे जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं या ब्रॉडकास्टर्स हैं वहाँ के, वो तो हमारे दोस्त बरसों से हैं. शैलजा जी, एक सवाल आपसे. अभी तक आपने देखा होगा कि हमारी फिल्में, वहाँ की फिल्में या हमारी फिल्मों में एक दूसरे की कुछ एंटी कहानियाँ होती हैं या कुछ भी हैं, तो डेफिनेटली कुछ शोज भी हैं ऐसे जिसमें कुछ इस तरह की चीजें होती है, तो उन शोज के लिए क्या करेंगे आप? नहीं, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने करीबन ऑलमोस्ट 7,000 to 8,000 आवर्स ऑफ कंटेंट देखा है पाकिस्तान का इन द लास्ट 1.5 ईयर्स. और मुझे लगता है कि आई कैन वेरी प्राउडली से कि मैंने जितने शोज देखे पाकिस्तान के, शायद पाकिस्तान में भी किसी ने नहीं देखा होगा. एंड इतने सारे आवर्स देखने के बावजूद मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल कोई नेगेटिविटी मुझे तो नहीं नजर आई इंडिया के प्रति. और अगर कोई मतलब मुझे आया, जैसे कि हमारे सीरियल्स में अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जिक्र नहीं होता, क्योंकि वो घर के अंदर के सीरियल्स होते हैं, वो आपसी यू नो मसलों पे बातें होती हैं उस सीरियल्स में, तो उनकी भी कहानियाँ जो हैं उसमें एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट इंडिया डजंट इवन फिगर, यू नो आई मीन देयर जस्ट टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स. हाय, हाँ, इंडियन फिल्में देख मतलब इंडियन फिल्मों का शौक है उनको, यू नो, और उसके बारे में अच्छी बातें बोलते हैं, दैट्स अबाउट इट. शैलजा, my question is that serials like Dhoop Kinare, Ankahi is quite popular in like you know the creme de la creme of the society. So is there any chance that you people will get those shows back as well? Yes, absolutely there is. Shailja. Shailja. Shailja Chogle here. Acha, when you thought of making something different, why did you think of doing this kind of a thing? Like you know, bringing overseas content, sort of you concentrated on Pakistani content. Which I can understand for obvious reason, because of the culture, because of the language, that I can understand. But why you choose to focus on foreign content? Actually, the thing is that, like I said, Chogle, you know, that I've been associated with the creative talent of India for many, many years now, you know.
तो एज ए क्रिएटिव पर्सन यू फील कि कुछ नया टैलेंट पूल भी देखा जाए, यू नो, सिर्फ आप एक टैलेंट पूल के साथ तो काफ़ी काम कर चुके थे, तो इसलिए द आइडिया वॉज टू लुक बियॉन्ड दिस टैलेंट पूल एंड लुक फॉर अ फ्रेश टैलेंट पूल, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब यू नो दो कंट्रीज के टैलेंट मिलते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है दैट इज़ एक्चुअली अ फार मोर इंटरेस्टिंग रिजल्ट, यू नो. सो एज वी गो फॉरवर्ड, लाइक भरत सेड, that you know, when we get into co-productions, we might have some writers from there, some actors from there, some directors from here. I believe that the sky is the limit, you know, when you have a cultural integration of sorts. So that's it. Going forward, apart from some country that you might focus on, will it be more of Pakistani content because of that, you know, the culture, the language, will it be more of Pakistani content, see, going forward? See, like what Bharat gave you, the idea of Zee's philosophy of Vasudeva Kutumbakam. So I think Bharat is spearheading this whole thing of getting as many countries into our fold. This is just one channel, you know. Is channel mein bhi alag alag deshon se alag alag cheeze aayengi, lekin apart from that there will be many more channels and Bharat will tell you a bit more. To ab dekhiye business process, as far as this channel is concerned, will it be more of Pakistani? No, it see, the thing is that there will be a lot of Pakistan because we have a cultural and language affinity. That is definitely there. We will also have a lot from other neighboring countries like, say, Bangladesh, Sri Lanka, etc. But we are starting with Pakistan. We are starting with Pakistani content. We'll progress to co-productions and films, you know, and then we'll look. I have actually seen content all across, you know. So gradually, ek bar brand ban jaye, phir jaise darshak chahenge waise leke aaye. So far, how many series you have sourced? Well, that is something that you'll see gradually. सब सारा information पहले दिन नहीं दे सकते. तो कई सारे रास्ते तय कर रखे हमने, बना रखे हैं उसकी तैयारियाँ. जैसा दर्शक इंगित करते जाएंगे हम करते जाएंगे. आपको सिर्फ ये एक एडिशनल बात बताना चाहता हूँ कि बिजनेस प्रोसेस और डेवलपमेंट ऐसा होता है कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमने लोकल ऑडियंसिस को भी विदेशों में पकड़ा है. तो मिडिल ईस्ट में हमने एक जी अफलाम करके एक चैनल लॉन्च किया जिसमें बॉलीवुड की फिल्मों को हमने अरबिक लैंग्वेज में. फिर हमने एक जी सी चैनल लॉन्च किया, जी अलवान. तो वो हमारे यहाँ के जो नाटक थे, जो ड्रामा थे, उनको अरेबिक भाषाओं में डब करके वहाँ शुरू किया. वो पहला स्टेप था. जब हमें लगा कि वहाँ अच्छा लगने लगा है, लोगों को पसंद आने लगा है और एक यू नो व्यूअरशिप की डिमांड हो गई, तो हमने वहाँ प्रोड्यूस भी करना शुरू कर दिया. तो हम ऑलरेडी, मतलब आप ये सोचिए कि वीकली दो तीन शो तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे इन अरेबिक लैंग्वेज इन मिडल ईस्ट. तो This is how the business process develops. जैसे जैसे आपको audiences का feedback आता रहता है, आप करते जाते हैं. तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है आने वाले समय. So in terms of business, what is the market for this kind of a channel? Yeah, तो ये actually मैंने आपको ये बोला इसलिए था ताकि आप ये सवाल पूछें. ये एक क्योंकि किसी ने पूछा ही नहीं, और अभी आज हमारे साथ business head नहीं है प्रियंका जी, वरना वो उनके dialogue थे जो कोई बोल नहीं रहा था. तो एक नया category हम create कर रहे हैं. देखिए, हिंदी जी सी आपने देखा है कि इन्होंने सास बहू कहा था, एक जैसे ही लगभग चल रहे हैं काफी. धीरे धीरे हिंदी जी सी में भी कुछ कैटेगराइजेशन होने की जरूरत है. डिजिटाइजेशन के साथ हमें लगता है कि एक नया मार्केट डेवलप होगा जो है प्रीमियम हिंदी जी सी कैटेगरी. आपने एवी में देखा होगा प्रीमियम मास. तो हमें ऐसा लगता है कि हिंदी भाषा में अब बहुत सारे ऑडियंसेज एससीसी एवी में और मेट्रो में अवेलेबल हो चुके हैं जो अच्छी क्वालिटी इवॉल्व सुलझे हुए डाइवर्सिटी वाले कहानियां सुनने के लिए तैयार है. लेकिन वो अभी क्या होता है, कभी कभार उनको कुछ अच्छे शोज कहीं मिल जाते हैं किसी चैनल पे. लेकिन पूरा गुलदस्ता एक अच्छे शोज का वो तभी होता है जब एक पूरा चैनल जो है वो उस तरह का हो. वो किसी ने अटेम्प्ट किया नहीं. हमारे हिसाब से जिंदगी एक नया कैटेगरी को क्रिएट करेगा, विच आई एम कॉलिंग इट हिंदी जी सी प्रीमियम मास. सर, आपने कहा कि ऐसा ऑडियंस जो पहले तो शो की झलकियां देखिए, बहुत ही खूबसूरत लगा शो और आई होप सो कि बहुत ही अच्छा होगा. तो आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने पाकिस्तान से जो भी स्टोरीज वगैरह आ रही हैं, आप पाकिस्तान के एक्टर हैं, तो पाकिस्तान से अभी इंडिया में आने के बाद एज अ एक्टर, मे बी इन बॉलीवुड ऑल्सो वील सी यू सून, तो एज अ एक्टर कितनी लिमिटेशंस आप लोगों ने पाकिस्तान में एज एन एक्टर देखी होंगी, और इंडिया में कितना ज्यादा खुद को इन्हें एक्सपोज करने का, खुद का एक्सपोजर करने का कितना ज्यादा आप आगे चांस देखते हैं? देखिए, अभी मेरी पहली फिल्म रिलीज हो रही है एक महीने बाद, क्रीचर, मैं अब प्रकाशा वासु हैं. फिर एक और रक्स मैंने की है मुजफ्फर अली साहब के साथ जिन्होंने उमराव जान बनाई थी, और अभी तीन फिल्म्स मेरी लाइंड अप हैं वन आफ्टर अनदर. तो हाँ, देखिए, मैं टीवी पे वहाँ काम कर रहा था, यहाँ फिल्म्स करनी पड़ रही हैं. तो मीडियम डेफिनेटली दोनों फ़र्क हैं, और दोनों की
रिक्वायरमेंट्स भी फ़र्क हैं, दोनों के प्रीरेक्विजिट्स फ़र्क हैं. मैं आप टीवी पे नाचते नहीं हैं क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा ड्रामा इस तरह नहीं है कि उसमें, तो मुझे यहाँ के डांस सीखना पड़ा, मुझे यहाँ के एक्शन सीखना पड़ा, मुझे आके बहुत राइटिंग सीखनी पड़ी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ी जो मैंने वहाँ नहीं की थी. डेफिनेटली ये सारा का सारा प्रोसेस अपने आप को एक्सप्लोर करने का ही होता है एज एन एक्टर. आई एम एक्सप्लोरिंग माय सेल्फ. थैंक यू इमरान. वहाँ पे आप पाकिस्तान में बॉलीवुड को बहुत एडमायर करते होंगे और करते हैं, तो ऐसे कोई बॉलीवुड के डायरेक्टर हो या एक्टर हो whom you want to work with, जिनको आप एज ए रोल मॉडल देखते हो बॉलीवुड में, और ऐसे कोई डायरेक्टर whom you like his stories or something? देखिए मुझे संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म्स के लिए ऑफर किया, मुझे राजकुमार संतोषी ने ऑफर किया, मुझे मोहित सूरी ने ऑफर किया, मैं विक्रम भट्ट के साथ कर रहा हूँ, मुजफ्फर अली जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ मैं कर रहा हूँ, तो ये सारे अच्छे बड़े डायरेक्टर्स के साथ मुझे ऑफर हो चुकी है जिनके साथ मैं काम करना चाहता था. मैं मणि रत्नम साहब के साथ काम करना चाहता हूँ, पता नहीं फिल्म अभी बना रहे हैं कि नहीं, और तो मुझे ऑलरेडी अच्छे लोगों से ऑफर्स आ रही हैं. और वो अनफॉर्चुनेट हुआ मेरे साथ ही कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसा हुआ था कि मैं नहीं कर सका उनके साथ फिल्म, मुझे क्या मुझे हमेशा पछतावा भी रहेगा. बट या आई वुड लव टू वर्क विद संजय लीला भंसाली अगैन एंड ऑफकोर्स मणि रत्नम. I would love to work with Madhuri Dixit if I ever get a chance to work with her. She is my favorite. I have a huge crush on her. Sir, Bollywood ke kis hero ke saath aap acting karna chahte hain? Hero ke saath? Nahi, main heroine ke saath karna chahta hoon. Main us tarah ki filmon mein kaam nahi karta. Nahi sir, matlab koi hoga na? Nasiruddin. Main ji. Nasiruddin. Haan, jinko aap mante ho ideal. Acha, main Amitabh Bachchan saab ke saath kaam karna chahta hoon. Main Nasiruddin Shah saab ke saath kaam karna chahta hoon. Main ओम पुरी साहब के साथ काम करना चाहता हूँ. मैं ऑफ कोर्स ये तो खैर कौन नहीं चाहेगा कि स्क्रीन पे शाहरुख, आमिर खान, सलमान खान के साथ शेयर करें, बट या जो ये जो और जो एक जनरेशन पहले के एक्टर्स हैं उनमें अमिताभ बच्चन और नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ मैं काम करूँ. आपने